दोस्तों आज ना मेरे को मेरे कॉलेज की याद आ गई है यार। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ, बहुत ही एक इंटरेस्टिंग कहानी है। बेसिकली आपको पता है यार किस तरीके से जो है हम वीडियोस बना रहे हैं एक के बाद एक, जहाँ पे हम चीजें एक्सपोज कर रहे हैं टेक दुनिया में जो स्कैम्स होते हैं चारों तरफ आपको लूटने के लिए। तो आज इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं आपसे बात करने वाला हूँ इस 256 GB के पेन ड्राइव के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। ये देखो, पेन ड्राइव जैसी चीज या मेमोरी कार्ड जैसी चीज नो बड़ी कॉमन है हमारे लिए और हम अक्सर जो है वो नो खरीदते रहते हैं। कई बार हमको जरूरत पड़ जाती है और ऐसे में इस तरह के पेन ड्राइव्स आपको बहुत सारे कई बार मिल सकते हैं, काफ़ी सस्ते दाम में मिल सकते हैं, सड़क किनारे यू नो रैंडम किसी भी जो हर एक शहर में, इंडिया के हर एक शहर में आपको एक ऐसा बाजार मिलता है जहाँ पे यू नो इस तरह का सामान मिलता है बहुत ज़्यादा ईजिली। और स्पेशली उन शहरों की अगर हमसे बात करते हो जहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यू नो टूरिस्ट लोकेशंस के आसपास, या फिर आपसे बात करूं तो बस स्टैंड के आसपास अक्सर चांसेस हैं कि आपके साथ स्कैम हो जाए। मतलब देखो, कोई ऐसा दुकानदार जिसकी एक प्रॉपर रेप्यूटेड दुकान है, जिसको बाजार में बैठे उसको काम करना है, वो तो ये स्कैम नहीं करेगा। बट वो लोग जिनका कोई अता पता नहीं है, जो आज यहां है कल कहीं और है, वो चलते फिरते सामान बेचते हैं ना, वो डेफिनेटली स्कैम कर देते हैं। और दिल्ली में तो भैया बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज दिल्ली में मतलब पूरा देश दिल्ली में आया हुआ होता है किसी न किसी काम से, और वो जब आते हैं एज अ टूरिस्ट बचपना मुश्किल है स्कैम से। और फिलहाल ये है मेरे पास में HP का USB 2 या USB 3 दोनों वाला फ्लैश ड्राइव 256 GB वाला, नकली सामान है मेरे भाई। यहाँ पे नीचे भी लिखा हुआ है शेयर गिफ्ट लैपटॉप, इसका मतलब क्या बंदा को समझ नहीं आ रहा। और ये आपको 100, 150, 200, 300 रुपए का, उसको बोलते 100 में तो 100 में दे देता वो, या शक्ल देख के बोलता 500 तो 500 भेज दे। मतलब कोई इसकी फिक्स प्राइस राइज नहीं होती है, रैंडम ऐसे लोगों को जो है ये पकड़ा देते हैं। और ये नकली है, नकली मतलब लिटरली नकली है। इसको ओपन करेंगे, ओहो भाई अंदर तो यूज़र गाइड चाइनीज जैपनीज, बट इट इज़ ऑफ नो यूज़ बिकॉज चीज़ ही भैया नकली है। और चीज़ हमारे पास में ये, अब आपको देखने में लगता है कि भाई पेन ड्राइव आ गई है, 256 GB का सारा बनो हमारे पास में सामान आ चुका है, यूज़ कर सकते हैं। खैर इसको हम चेक करेंगे, लेकिन आपको उससे पहले एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी है 2009 की, 2009 25 दिसंबर 3 Idiots आई थी, और मैं उस टाइम पे अपने थर्ड सेमेस्टर में था, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग कर रहा था। हमने मूवी देखी फ्रेंड्स ने मिलके, और दिमाग में आया कि हम बनाएंगे ड्रोन, जो उस मूवी में जॉय लोगों ने बनाया था। तो वो देख के निकल पड़े सामान खरीदने के लिए, दिल्ली आए। दिल्ली में चांदनी चौक में एक मार्केट है लाल किले के सामने, जिसको बोलते हैं लाजपत राय मार्केट, तो वहाँ पे इस तरह का सामान बहुत यू नो कॉमनली चलता है। तो वहाँ पे हम गए, वहाँ पे हमने शॉपिंग करी दबा के, ये भी खरीद लिया वो भी खरीद लिया, पता कुछ था नहीं उस टाइम पे, ज़्यादा नॉलेज नहीं था, और सामान वामान ले लिया। वहीं पे मुझे एक दुकान पे ये चीज़ दिखी, पेन ड्राइव जब देखा वहाँ पे उस दुकानों पे, तो भैया वहाँ बिक रहा है 64 GB, 128 GB, 256 GB, और प्राइस देखी तो भैया 1000, 500, 1500, 1200 अलग अलग चीज़ों से। तो लगा कि यार चीज़ सही है, लेकिन मन में डाउट हुआ कि यार क्या है, असली है कि नकली है। तो वहाँ पे हमने चेक करवाया, कंप्यूटर में लगा के देखा तो दिखा रहा है वो प्रॉपर्टीज़ कि हाँ भैया 256 GB का पेन ड्राइव है। तो हमने 2 पीस ले लिए, और जब वापस घर आए तो मालूम चला कि भैया पेन ड्राइव जो था वो तो था नकली, किसी काम का नहीं। अब सोचो 2009 की ये कहानी, खैर बाद में और लंबी कहानी है, कभी और बताऊंगा जब कैसे हमने फिर वो क्वाडकॉप्टर बनाया, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हुई। बट आप ये सोचो कि वो स्कैम जो 2009 में हुआ करता था, आज 2022 में भी सेम स्कैम हो रहा है, और मजे की बात आज भी भैया लोग इसका शिकार बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि लालच, या इतनी अच्छी डील मिलती है तो आप जब सोचते नहीं हो, आपको लगता है कि यार बढ़िया चीज़ है भैया ले लेते हैं। तो आज देखते हैं कि क्या वाकई में ये 256 GB की पेन ड्राइव ये काम करती भी है, या केवल बस दिखने में अच्छी है, काम वाम कुछ नहीं करती। लेट्स चेक इट आउट। अब देखो, एक मजे की बात, जिस चीज का स्कैमर्स जो है वो खुल के फायदा उठाते हैं, वो ये कि यार पेन ड्राइव जैसी चीज, इसको मतलब यू नो विजुअली सेम बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, ये पेन ड्राइव एक असली वाला है या नकली वाला है, कुछ भी हो सकता है ये असली हो या नकली, मतलब आप ना विजुअली इसको देख के जज नहीं कर पाएंगे। पैकेजिंग वगैरह भी अक्सर बहुत ही सिंपल सी होती है, तो ऐसा कुछ नहीं है इतना मुश्किल काम है इसको ना डुप्लीकेट करना। और अब बात करते हैं अगर इस पेन ड्राइव की, फिलहाल खैर हम डोंगल वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो इसमें मैं लगाता हूं कि क्या बताता है। ओके, सबसे पहले आ गया, द डिस्क यू अटैच्ड वाज नॉट रीडेबल बाय दिस कंप्यूटर। हो सकता है इसको विंडोज के लिए फॉर्मेट किया हो, बट इन ऑफिस वी हैव ऑल मैक सिस्टम्स। एनीवे, अगर मैं करता हूं इनिशियलाइज, देखता हूं यहां पे डिस्क यूटिलिटी में, तो आपको दिखाएगा ये जो USB डिस्क मीडिया है, ये दिखा रहा है 268.44 GB। ये बिकॉज ऑफ मैक एंड विंडोज, वहां पे आपको 256 दिखाएगा, यहां पे वो द वे द फाइल सिस्टम वर्क्स थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर मैं इसको एक बार इरेज करके देखता हूं, इसको मैं फॉर्मेट कर लेता हूं, और मैं इसको फॉर्मेट करता हूं XFAT, पता नहीं होगा या नहीं होगा,
फॉर्मेटिंग डिस्क, ये वो बेसिकली कंसेप्ट क्या है यहाँ पे, द वे इट वर्क्स इज ये आपको दिखाएगा कैपेसिटी 256 GB जब आप वहां पे किसी भी दुकान पे ट्राई करते हो विंडोज पीसीज में मोस्टली, और आपको अगर इरेज प्रोसेस इज कंप्लीट क्लिक डन टू कंटिन्यू। भाई मैक में तो ये शो ही नहीं कर रहा है, तो हम इसी की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये तो चलो खैर चलेगा नहीं बिकॉज नकली चीज है। द वे दिस स्कैम वर्क्स इज जब भी आप जाओगे बाजार में और आपको ऐसा नकली पेन ड्राइव नकली मेमोरी कार्ड मिलता है तो वो आपको अक्सर बोलते हैं कि भाई चेक कर लो, आप चेक करके ले सकते हो। अब जब आप चेक करते हो आपको वहां पे जो कंप्यूटर लगे होते हैं उसमें जब भी ऐसा कुछ लगाते हैं ना तो आपको उसमें दिखाएगा माई प्रॉपर्टीज में, वहां पे माई कंप्यूटर में इसके जाके प्रॉपर्टीज में जो भी आपको दिखाएगा कि 256 GB या 128 या 512 जो भी बोल रहे हैं वो दिख रहा है भाई, तो आपको लगता है कि हाँ भाई सही है। अब वो आपका दूसरा जो डाउट है उसको क्लियर कर देते हैं, क्या ये वाकई में काम भी करेगा। तो क्या करते हैं फाइल को कॉपी करते हैं और दिखाते हैं कि भाई फाइल कॉपी हो रही है। इसके अंदर जो एक्चुअल स्टोरेज है वो कुछ MB की होती है, सॉफ्टवेयर की मदद से कोडिंग की मदद से ये डिस्प्ले करता है एज इफ कि ये भैया 256 GB कैपेसिटी लेके बैठा है या 512 लेके बैठा है। अब द कैच इज कि जैसे ही आपने कुछ भी कॉपी किया था आपको दिखा तो रहा है वहां पे वो फोल्डर या जो भी चीजें कॉपी हो गई है, आप इसको निकालो और दोबारा लगाओ ऑल नो ब्लैंक। अब जल्दबाजी में आप वहां पे भैया यू नो उनको भी अगर आप ज्यादा डिटेल में जाओगे तो बोलोगे चल ठीक है छोड़ तेरे को लेनी नहीं है तो निकल, तो मतलब वो भी आपको डिटेन उतना ही करते हैं जहां तक वो सेफ फील करते हैं दुकान वाले। तो वो आप बेसिक 2-4 सवाल पूछो, आपको गोल गोल घुमाएंगे, जवाब देंगे और आप घर आओगे खुश होते हुए कि भाई आज मिला है खजाना 300 रुपए में, 256 GB की पेन ड्राइव का पूरा जो है हमने मसाला निकाल लिया है। द रियलिटी इज कि गाइज इट्स अ स्कैम, और इस तरह के मेमोरी कार्ड्स पेन ड्राइव्स भर भर के धड़ल्ले से यू नो अब बेचारा HPR कहाँ जाएगा, मतलब नो लोगो लगा के सब कुछ करके, और ये खुल के हो रहा है और इंडिया के लगभग हर यू नो थोड़े से भी अगर कोई बड़ा शहर है उसमें हो रहा है और छोटे शहरों के अंदर भी हो रहा है। इनफैक्ट मतलब जहाँ पे जिन दुकानदारों को कोई ट्रेस नहीं कर सकते आप या जो सड़क किनारे जो सिंपल सामान बेच रहे हैं वो अक्सर ये काम कर रहे हैं। मेरे साथ में 2009 में हुआ था, लोग बेचारे आज भी इसमें फंस रहे हैं। तो मुझे लगा क्यों ना यार वीडियो बना के बताया जाए कि यू हैव टू बी अवेयर, और अगर लेते हो ऐसा कुछ प्रोडक्ट तो एक रेप्यूटेड जगह से लो, रैंडम सड़क किनारे मत लो या फिर ऑनलाइन लो, प्रॉपर चैनल से लो। ये मत सोचो कि भैया इसमें नकली कैसे बन सकता है, नकली बनता है और भर भर के बनता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक शेयर करते हुए सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी और यू नो तगड़े इनोवेशन के बारे में बात करते हुए। फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद वंदे मातरम।